हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने आईसीटी से रिलेटेड दो वीडियो पहले डाली है और ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके अंदर हम बताएंगे कि आईसीटी में और कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है आईसीटी की, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें हमने बताया कि किस तरह से आईसीटी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आईसीटी में और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों अब हम आईसीटी में बात करने वाले हैं एक्सटेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट किस तरह से होते हैं वो, और प्लस में वेब ब्राउज़र जो होता है जिससे हम इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से रिपीट होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन के क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरह से रिपीट होते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007। तो इसके अंदर जो एमएस ऑफिस 2007 का जो वर्जन है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे आया हुआ है। तो और हम देखते हैं कि और किस तरह से ये रिपीट हुआ है जिससे आप अच्छे से समझ सकें। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें इन्होंने पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन इमेज और ग्राफिक फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो फ़ोटो जो अपनी होती है पिक्चर, तो उसका जो फॉर्मेट है वो हमें नहीं बताना, भाई इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो पिक्चर या ग्राफिक का नहीं है, ठीक है। ये भी एक एक्सटेंशन के अंदर ही क्वेश्चन आता है। अब और हम देखते हैं कि और कैसे रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। यानी कि इन्होंने ये दे दिया कि GIF, JPG, BMP, इन्होंने ये पूछा हुआ कि ये किस लिए होता है, किस फाइल के लिए होता है। तो हम इसने ऑप्शन दे दिया कि ऑडियो फाइल के लिए, वीडियो फाइल के लिए, इमेज डेटा के लिए। तो हमें, हम सभी को पता है कि JPG जो होती है वो इमेज होती है। तो यहाँ से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और यही जो क्वेश्चन है पहले भी पूछा गया था जो अभी मैंने बताया था, बस इसे थोड़ा सा इसे घुमा दिया है, ठीक है। तो आपको आप जो भी चीज़ कर रहे हो अच्छे से करनी है, आपको हर एक पॉइंट उसका देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से अगली बार पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ये कीजिए कि आप जितने भी एक्सटेंशन हैं अपनी फाइल वगैरह की, तो उन सभी की एक्सटेंशन आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे ऑडियो फाइल है उसकी क्या होती है, वीडियो की क्या होती है, इमेज की क्या होती है, और अपने जो बेसिक सॉफ्टवेयर है उनकी एक्सटेंशन क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके एक्सटेंशन के अलावा अब हम और क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरह से रिपीट हुए हैं। अब हम देखते हैं वेब ब्राउज़र के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब इंटरनेट से रिलेटेड। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये है क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ ए टाइप ऑफ, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउज़र है, क्या है। तो हमें पता है कि ये ब्राउज़र होता है, ठीक है। अब हम और देखते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आया है ब्राउज़र से रिलेटेड। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया हुआ है कि द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, सबसे पहले कौन सा वेब ब्राउज़र आया था वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब और फायरफॉक्स। तो दोस्तों सबसे पहले इन ऑप्शन में सबसे पहले आया था वर्ल्ड वाइड वेब आया था, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमने
पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी अपने टॉपिक हैं उनकी सेपरेट पीडीएफ बना रखी है, यानी कि कम्युनिकेशन से आज तक जो भी क्वेश्चन आए उसकी अलग है, आईसीटी से जो क्वेश्चन आए वो अलग है, रिसर्च से जो क्वेश्चन आए वो अलग है, 2012 से लेके 18 तक क्वेश्चन हमने अलग अलग कर रखे हैं। तो इस पीडीएफ को पढ़ के आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अभी हमारा जो पेपर हुआ था जुलाई 2018 में, उसमें 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो ओल्ड पेपर में पहले आ चुके थे। तो दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ करते हो तो आपके मार्क्स पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो अगर कोई दोस्त वो हमारी पीडीएफ लेना चाहे तो वो पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि इस पीडीएफ की कुछ सामान्य कॉस्ट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और ऐसे कौन से क्वेश्चन आए हैं वेब ब्राउजर से रिलेटेड जो हमें करने ज़रूरी हैं। अब ये देखिए दिसंबर 2014 में दोबारा फिर आया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, हमें इसमें बताना कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। अब देखिए गूगल हो गया, गूगल पे हम सर्च करते हैं, याहू पे सर्च करते हैं, बिंग पे सर्च करते हैं और क्रोम। तो ये जो क्रोम है ये एक वेब ब्राउज़र है दोस्तों, ना कि सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र दोनों के अंदर फ़र्क है। ठीक है, तो ये भी एक वेब ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और अब हम और देखते कि और कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 37, वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब मैं आपको ये इंग्लिश में दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकेंगे। द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नाउन एज। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वेब ब्राउज़र। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, उसके चारों ओर की जो बातें हैं वो पूछ लेते हैं। तो हमें सारी चीज़ें एक कोई भी टॉपिक है उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि वेब ब्राउज़र है वो किस किस काम आता है। ठीक है, और अभी नया वेब ब्राउज़र कौन सा आया है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए इससे वेब ब्राउज़र से रिलेटेड। ठीक है, तो और हम देखते हैं कौन से कैसे रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है। ठीक है, अभी जो वर्जन आया था काफ़ी, वैसे तो काफ़ी साल हो गए आए हुए। ठीक है, वेब 2.0, तो इसके अंदर हमें बताना है कि इसकी क्या खासियत है। तो इसका दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि वेब 2.0 का, इसके अंदर हम जैसे चैटिंग कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, देखिए दो तरह की इंटरनेट पे वेबसाइट होती है, एक तो ये होती है कि जैसे कि हम केवल और केवल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसमें हम फीडबैक नहीं दे सकते। ठीक है, एक तो वो होगी। ठीक है, और दूसरी वेबसाइट ऐसी होती है जिन पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि हम मान के चले फेसबुक हो गया, फेसबुक पे हम चैटिंग कर सकते हैं, अपना सवाल जवाब एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचनाओं का यानी कि आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं वेब 2.0। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि वेब से रिलेटेड ही इन्होंने क्वेश्चन फिर दे दिया। तो अब की बार भी आप वेब से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मैंने ये जो अपने क्वेश्चन रिपीट हुए इनकी एक पीडीएफ भी बना रखी है, वो पीडीएफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो हमारा पीडीएफ नोट्स है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आया, ये और देख लीजिए, नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया था, वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है। ठीक है, यानी कि जो हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जो डालते हैं, यानी कि जो डोमेन एड्रेस होता है वहाँ पे डालते, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों यूआरएल। दोस्तों यूआरएल का मतलब होता है जैसे कि www.cbse.nic.in। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर रिपीटेड क्वेश्चन करने से अगर हमारे पांच पांच क्वेश्चन भी और ठीक हो जाते तो हमारा नेट और जीआरएफ आसानी से क्लियर हो सकता है।
क्योंकि दोस्तों हम हर बार, हमारे साथ यही होता कि हम कभी 5 नंबर से रहते हैं, कभी 2 नंबर से रहते हैं, कभी 1 नंबर से रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने बना रखे हैं, और इस ये जो क्वेश्चन रिपीट हुए उन्हीं बेस पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, और ये जो नोट्स हैं हमारा बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं, ठीक है। इस नोट्स का लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो नोट्स दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 3 नोट्स दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले वाले नोट्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी एक्सटेंशन होती है वो मैंने इसमें दी हुई है, ठीक है। और सभी अलग अलग है, जैसे कि ऑडियो की जो जो एक्सटेंशन होती है वो अलग दी है, ठीक है। MP3 है, वेव है, जो भी है काफ़ी तरह की है, इसमें अलग अलग दे रखी है। अब देखिए आप, मैंने वीडियो की दे रखी है, ठीक है, AVI की दे रखी है। एक बार पूछा गया था AVI के बारे में पूछा गया था, ठीक है। MP4 हो गया, ठीक है, 3GP हो गया, तो इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। वो पता है क्या कर सकते हैं इसमें, वो इसमें से कोई 3 एक्सटेंशन दे देंगे और एक एक्सटेंशन कोई अलग एक्सटेंशन दे देंगे, और वो फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सी वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि इमेज फाइल एक्सटेंशन भी मैंने दिया हुआ है, ये वो ही आ गई जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, BMP आ गया। BMP का मतलब होता है बिट मैप इमेज फाइल होते हैं, GIF हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अलग अलग एक्सटेंशन है वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर टेक्स्ट की आ गई, ये होगी DOC की होगी, ठीक है, जो अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसकी होती है, ये MS वर्ड की, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी तरह की मैंने दी हुई है। तो आप ये सभी की सभी अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमारा आ सकता है। और दोस्तों अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहें, PDF लेना चाहें, तो आप इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो नोट्स है आपका PDF में डाउनलोड हो जाएगा, इसे फिर आप कभी भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं हर रोज़ 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एक नई वीडियो डालता हूँ पेपर फर्स्ट से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।